मंगलवार को जनपद के 295 केंद्रों पर कुल 26,680 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,487 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 20,193 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में जिला अस्पताल सहित 295 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स व सीएससीपीएससी शामिल है। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक 35,28,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 24,17,000 पहला डोज तथा 11,10,000 दूसरा डोज शामिल है। उन्होंने बताया कि अभी जनपद में बहुत नागरिक पहले डोज और दूसरे डोज से वंचित हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, ऐसे लोग नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर निःशुल्क वैक्सीनेशन कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि घर लगा नहीं रही है, कैसे उतर रही है। उठा करते बोली शाम को बोली सुबह खा लीजिएगा, नहीं तो तुम खाइएगा। कौन स्कूल है ये है फिलो के है माधुरी के नहीं लड़कियों के नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं जहाँ आप फिलो करते हैं चाय का दुकान है ना। अच्छा आज हमारे जनपद में 295 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, हमारे दोनों जिला अस्पताल महिला पुरुष और हमारी सभी सीएससी पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हमने 35,28,000 से ज़्यादा डोज लगा दिए, उसमें से 24,17,000 से ज़्यादा फर्स्ट डोज और 11,10,000 से ज़्यादा सेकेंड डोज लगाए हुए हैं। अभी भी हमारे जनपद में बहुत सारे लोग फर्स्ट डोज से और बहुत लोग सेकेंड डोज से छूटे हुए हैं। जनता से हमें अपील है कि जिन लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो हमारे केंद्रों पर आएं और निःशुल्क टीकाकरण चल रहा है। सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक टीकाकरण चलता है। लोग आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएँ।